हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से लेखपाल के लिए पढ़ना चाहिए, किसको कितना समय देना चाहिए, जिसके कारण आपका सिलेक्शन एक बार में और विद इन एक महीने के अंदर सारी चीज़ें कवर में आ जाएँ। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रामीण विकास, क्योंकि ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिसर में बहुत सारी योजना है, बहुत सारे इसके अंदर सन दे रखी हैं कि कौन सी योजना किस सन में आई थी, कौन सी योजना किससे संबंधित है। ये योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको जितनी भी चीज़ें पढ़नी है ठीक है, तो उसको इस तरीके से पढ़ना कि वो तुम्हारे दिमाग में सेव हो सकें। तो इसलिए आपको पहली बार में रिवीजन करना है, दूसरी बार रिवीजन करना है, तीसरी बार में वो चीज़ें अपने आप समय में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ग्रामीण विकास जो है वो एक बार में आपको समय में नहीं आएगी, क्योंकि ग्रामीण विकास कभी आपने पहले नहीं पढ़ा है। आपने हिंदी पहले पढ़ रखी है, आपने मैथ पहले पढ़ रखी है, तो आपको मैथ हिंदी ये चीज़ें समय में आ जाएंगी, लेकिन ग्रामीण विकास को आपको सबसे ज़्यादा समय देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको बता दूं इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बोरिंग करने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग इसको लॉन्ग का मतलब 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको अगर पढ़ना है तो कम से कम डेढ़ घंटे के दो पार्ट में से पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा इतना समय है, क्यों देने की मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए देने की बोल रहा हूँ क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, यही वो सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा गलत नंबर करवा सकता है। क्योंकि आपको बता दूं मैथ में बच्चा कर ले जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत से एग्जाम पहले दे चुके होंगे, मैथ की जो प्रैक्टिस बहुत से बच्चों की होगी तो मैथ कर ले जाएंगे। बात करते हैं जीके की, तो जीके में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे वो आपके हो जाएंगे। करंट अफेयर आपको पढ़ना है लगभग 6 महीने की, ठीक है, पिछले 6 महीने आपको ऐसा करना है, अप्रैल से लगाना है, अप्रैल से पीछे 6 महीने की जो है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको मैथ वाला जो पोर्शन है मैथ तो आप कवर कर ही लेंगे, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ें आप ऐसे पढ़ें एकदम परफेक्ट तौर पर। आपके पास नोट्स होने चाहिए, किसी ना किसी संस्था से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो ये कोई पेड़ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक चैनल है यूट्यूब पर Study91, ठीक है, उसमें नितिन सर पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हिंदी पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, उसके मतलब नोट्स के एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग तैयारी अभी भी कर रहे हैं लेकिन उनका लोगों का मतलब कि नहीं हो पाता है। उसके पीछे का कारण यह है कि वो 4-4 जगह ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। आपको 4 जगह दिमाग नहीं लगाना, एक बार में सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किन टीचर से पढ़ना है या कौन सी बुक से पढ़ना है, बस उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज वो बुक लगा ली, दूसरे दिन दूसरी बुक लगा ली, तीसरे दिन तीसरी बुक लगा दी। ज़्यादा बुक के चक्कर मत पड़ना, ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ने, आपको कम पढ़ना है, सही पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, जिसके कारण आपका कम से कम समय में अच्छा स्कोर बन सके। जिस समय आप पेपर देने के लिए जाएंगे कुछ चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो आप अपने मेंटली ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत रखना, दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा तो अच्छे तरीके से आपका परफॉर्म हो पाएगा। दूसरा है कि जब वहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाएं तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब कि चॉकलेट, केला, रस, गन्ने का जूस वगैरह कुछ हल्की चीज़ खाकर जाएं और ऐसी चीज़ खाकर जाएं जो आपको लंबे समय तक भूखा न रहने दें और शरीर के अंदर आपको एनर्जी देते रहें। उसके साथ साथ में आपको क्या काम करना है कि जब आप ग्रामीण विकास को पढ़ें तो ग्रामीण विकास पढ़ते समय आप जैसे उसके मतलब कि थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के तुरंत बाद उसके क्वेश्चंस जरूर आपको सॉल्व करने हैं। आप प्रैक्टिस सेट के लिए कोई प्रीवियस क्वेश्चन उनकी बुक ले लीजिए, जिसके कारण आपको पता चल सके कि प्रीवियस क्वेश्चन या पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसके कारण आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एक चीज़ की और मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से। उनका मानना ये है कि मतलब कि जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये दोबारा मतलब कि बननी चाहिए, थोड़े से बच्चों को और ज़्यादा ले लेना चाहिए, जिसके कारण बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नाराज हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई हमें इतना लंबा समय है, इतनी लंबी तैयारी की है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अब ये तो उन्हीं के ऊपर डिसीजन है, उन अधिकारियों के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है
कि अब जो उन्होंने कर दिया है वही हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में जिनका हो चुका है वो अपनी तैयारी में लग जाइए, और जिसका नहीं हुआ है वो अगले पेट की तैयारी में लगे, और आने वाले जो और भी मतलब कि जॉब्स वगैरह होंगी उनके लिए आप एकदम परफेक्ट हैं, उनके लिए आप जी जान लगा दीजिए, जिसके कारण आपको भी अच्छी सी नौकरी मिल सके। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।